हस्त मिलाप और गिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए टाइम ना गवाते हुए, जो भी छात्र जुड़े हैं मैं उनका नाम बोलूंगा, लेकिन उन्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, ठीक है। कहता है कि किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। उपस्थित प्रत्येक टीम एक दूसरे से एक एक मैच खेलती है, मतलब एक एक क्रिकेट दोनों के बीच में, दो मतलब दो टीमों के बीच में होता है। कुल 8 टीम है, तो कुल टोटल कितने मैच खेले जाएंगे? भैया टीम टोटल 8 है, एक दूसरे से सभी एक एक मैच खेलेंगी, मतलब कोई ऐसी टीम नहीं होगी कि जो 2 बार मैच खेले किसी से। तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे कमेंट करके बता दो फटाफट। पहला ऑप्शन है 21 मैच, दूसरा है 28, तीसरा है 32, चौथा है 48। क्या कोई सही है? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसमें मैं सबसे पहले तो आपको एक सूत्र बताऊंगा छोटा सा, फिर मैं आपको इसको विस्तार से भी बताऊंगा, मतलब ओपन करके, ठीक है। हल लिखिए, फार्मूले में लिखिए वही जो आप पहले से भी शायद जान रहे हो, n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ पर अगर बीच में छोटका कोष्ठक है तो आप इसे मझला कोष्ठक या ऐसे कुछ कर दो, ठीक है, डन। देखिए यहाँ पर n का मान क्या होगा मेरे भाई? n का मान टोटल नंबर्स ऑफ टीम, टोटल 8 है तो n का मान 8 रखोगे, ये 8 ब्रैकेट में 8 माइनस 1/2, ओके ये हो गया पक्का। आगे देखो 8 × 7/2, 2 से इसको काट दीजिए, 2 × 4 = 8, 28, टोटल कितना आया? 28। यहां पे समझना टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, 28 मैच, ठीक है, डन। कुछ समझा क्या?